अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं लगड़ा पैटीज। तो लगड़ा पैटीज बनाने के लिए मैंने लगड़े का वटाना ले लिया है, वाइट वाला जो वटाना होता है, ये मैंने एक कप लिया है। इसको ओवरनाइट मैंने भिगो कर रखा था, ये भीग चुके हैं और उसको जो भिगा हुआ था पानी उसको मैंने फेंक दिया था, वॉश कर लिया था। अब एक कप मैंने वटाना लिया है तो इसमें दो कप हम पानी ऐड करेंगे। पाव चम्मच इसमें हल्दी ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसको लो फ्लेम पर कवर करके मैं कुक करूंगी जब तक ये मटर अच्छी तरह से गल नहीं जाती है। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, प्रेशर कुकर में ये जल्दी कुक हो जाती है। टोप में अगर पतीली में आप पका रहे हैं तो इसको गलने के लिए टाइम लगता है, प्रेशर कुकर में आप 4 सीटी ले लें तो ये अच्छी तरह से गल जाएगी। हमें बिल्कुल मैश नहीं करना है, ये गली हुई भी होना चाहिए और इसके जो ये वटाने हैं अक्के अक्के भी होने चाहिए। तो जब तक हमारी लगड़ा गल रहा है, पक रहा है, तब तक हम हरी चटनी बना लेते हैं। मैंने 4 हरी मिर्चें ली हैं और हरा धनिया लिया है 1 मुट्ठी। इसमें 3 लहसुन की कली ऐड कर देंगे, मेरे पास पेस्ट था तो मैंने पेस्ट ऐड कर दिया है लहसुन का। 1/4 चम्मच नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसको पीस लेना है। ये आलू लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के आलू है। अब हम पैटीज़ बनाने वाले हैं तो इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। आप चाहे तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं। सॉल्ट अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक का पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया भी डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है टिक्की में। जो आलू की जो टिक्की होती है, पैटीज होती है, उसमें ज़्यादा कुछ स्पाइसेस नहीं जाते हैं, बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनती है वो। बिल्कुल सिंपल सा इसका जो होता है ये टिक्की आलू की। तो ये देखिए, हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और इस तरीके से टिक्की बना लीजिए। थोड़ी मोटी ही बनाना है, ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाइए। बेल बटन को दबाने से ये होगा कि जब मैं नेक्स्ट रेसिपी की वीडियो डालूँगी तो वो आपको दिखेगी। तो इसी तरह से सारी टिक्की बनाकर हम रेडी कर लेंगे। ये सारी टिक्की हमारी बनकर रेडी हो चुकी है और यहाँ देखिए लगड़ा भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। इसमें मैंने थोड़े से बॉईल किए हुए आलू भी ऐड कर दिए हैं। इसमें हरा धनिया डालेंगे चॉप किया हुआ। बस बहुत ही सिंपल सा लगड़ा होता है, बिल्कुल हम स्ट्रीट स्टाइल बना रहे हैं। स्ट्रीट स्टाइल इसी तरीके से बनता है, बिल्कुल सिंपल, उसमें सिर्फ हरा धनिया, हल्दी और नमक डाला जाता है। तो लगड़ा हमारा बनकर रेडी है। अब हम टिक्कियों को फ्राई कर लेते हैं। तेल को अच्छी तरह से आपने गरम कर लेना है, गरम गरम तेल में आपको टिक्की डालना है और इसको शैलो फ्राई करना है। डीप फ्राई बिल्कुल मत कीजिएगा वरना सारी टिक्की आपकी टूट जाएगी, टूटकर बिखर जाएगी। तो अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये ऊपर से क्रिस्पी होती है, अंदर से सॉफ्ट होती है। एक साइड से ये पक चुकी है, दूसरी साइड पर टर्न कर देंगे और फुल फ्लेम पर ही इसको फ्राई करना है। तो सारी टिक्की फ्राई होकर रेडी हो चुकी है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है। इनको हम डिश में निकाल लेंगे। अब हम एक डिश ले लेंगे जिसमें हम लगड़ा पैटीज़ को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमने पैटीज़ बनाई थी आलू की, वो रख देंगे इसमें। तो आलू की पैटीज़ को रख दिया है मैंने। अब जो लगड़ा हमने बनाया था वो डाल देंगे, थोड़ा सा साइड में भी डाल देंगे और थोड़ा इसके सेंटर में भी डाल देंगे। अगर आपको और ज़्यादा पसंद है तो आप और ज़्यादा लगड़ा इसमें ऐड कर सकते हैं। ये दही लिया है फैट कर, इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ फैटा है और इसमें डाल दिया है मैंने। ये खट्टी ही दही है, ज़्यादा खट्टी भी नहीं है, नॉर्मल है। आप चाहे तो शक्कर भी ऐड कर सकते हैं दही में। इस तरीके का गाढ़ा दही होना चाहिए, बिल्कुल पतला दही आप यूज़ मत कीजिएगा। हरी चटनी जो हमने बनाई थी वो डालेंगे और ये इमली और खजूर की मीठी चटनी है। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती इस वजह से मैंने शेयर नहीं की। तो मीठी चटनी डाल देंगे इस पर जो इमली और खजूर की थी, थोड़ा सा चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे और हरा धनिया डाल देंगे।
आप चाहें तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो कटे हुए। अब ये रोस्टेड जीरा पाउडर डालेंगे। जीरे को थोड़ा सा भूनकर पीस लिया था मैंने। थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे और ब्लैक सॉल्ट डाल देंगे। और ये पीली वाली मैंने शो ले ली है, जिसके बिना रगड़ा पैटीज का मज़ा तो अधूरा है। तो ये हम इस पर डाल देंगे। देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल इसका लुक आया है, बिल्कुल स्ट्रीट जैसा दिख रहा है। खाने में भी बिल्कुल उसी तरीके का इसका टेस्ट है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।